वो लें। सबसे पहले क्लॉक पल्स दी जाती है जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं, इसमें क्लॉक पल्स की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद क्योंकि हम डी फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं तो हम इसमें एक ही इनपुट देते हैं, तो हम इसमें इनपुट देंगे जे में। और यही इनपुट हमारी जाएगी अब नॉट से होते हुए के में। नॉट से होते हुए इसका जो आउटपुट आएगा नॉट का, यहाँ के में जाएगा। अब इन दोनों के हम आउटपुट ले लेंगे। आउटपुट हमारी यहाँ पे जाएगी, सेकंड आएगी टू बार, टू बार यहाँ पे जाएगी। स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। अभी हमारे मालूम है ये जो है हमारा क्या होता है, हमें टू टेबल मालूम होती है डी फ्लिप फ्लॉप में। जब हमारा जीरो होता है तो हमें जीरो प्राप्त होता है क्यू पे, और जब वन होता है तो हमें वन प्राप्त होता है। तो जैसे अभी जीरो है तो हमें क्यू पे जीरो प्राप्त हो रहा है, इसी प्रकार जब वन होगा तो हमें क्यू पे वन प्राप्त होगा। यही है डी फ्लिप फ्लॉप।